आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। चलिए शुरुआत करते हैं 75 जिलों की 75 बड़ी खबरों की। अराजकता पैदा करने वाले बिजली कर्मी होंगे सूचीबद्ध, सीएम योगी बोले जनता को दिक्कत ना होने पाए। अयोध्या पहुंचे डिप्टी सीएम केशव मौर्य, भावुक होकर श्रीराम लिखी शिला को अपने सर पर रखकर जय श्रीराम का किया उद्घोष। चार सौ छियानवे अधिकारियों को नियुक्ति पत्र सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा सौंपा गया, 13 विभागों में सफल अभ्यर्थियों को दिए गए नियुक्ति पत्र। निवेश को लेकर सीएम योगी का बयान, कहा लखनऊ और हरदोई के बीच 1000 एकड़ में बनेगा यूपी का मेगा टेक्सटाइल पार्क। आजमगढ़ पहुंचे सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, कहा 2024 के चुनाव में दिल्ली में हम भी लहराएंगे झंडा। बाबा के दरबार में सीएम योगी, काशी में दिखा सीएम का अलग अंदाज, कहीं बच्चों को बांटी टॉफी तो कहीं बच्चों के सिर पर फेरा हाथ। महिला कृषकों से संवाद करेंगे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मेरठ की कृषि यूनिवर्सिटी में 19 मार्च को होगा हुनर से रोजगार समारोह। उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मियों की हड़ताल, असंवैधानिक, सख्त हुई सरकार, संविदा कर्मियों की सेवाएं होंगी समाप्त। सीएम योगी से मिलने को पैदल निकले शाहजहांपुर से समाज सेवी, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग, हरदोई पहुंच डीएम से की मुलाकात। यूपी में कोल्ड स्टोरेज हादसे में 14 की मौत, 30 घंटे तक चला रेस्क्यू, 4 लोग गंभीर, घायलों का हाल जानने पहुंचे सीएम योगी। झांसी में मजदूर किडनैप, 1 लाख फिरौती मांगी, 9 दिन पहले हुआ लापता, मां बोली पैसा कमाने के लिए गया था। बिजली हड़ताल से 30 लाख लोग परेशान, 35 घंटे में कई जिलों में 80% आपूर्ति प्रभावित, 500 से ज्यादा संविदा कर्मी बाहर। यूपी में 33 जिलों में बारिश और ओले का अलर्ट जारी, ललितपुर में इतने ओले गिरे कि परत जम गई, वहीं 5 हुए घायल। पुलिस कस्टडी में आरोपी ने बनाई डील, हाथ में हथकड़ी लगाए पी सिगरेट, एसपी ने साथ में बैठे सिपाही को किया निलंबित। गोरखपुर में 25 गौवंशों की हत्या, काट कर मांस उठा ले गए कसाई, हड्डियां चमड़ा और अवशेष खेतों में फेंका। बरेली में मुनीश की मौत से सदमे में परिवार, राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज के आईसीयू इंचार्ज की पत्नी से हुई थी आखिरी बार बात। धर्मांतरण मामले में कानपुर से एक और एफआईआर, रावतपुर की थारू बस्ती में किडनी बदलवाने और इलाज के नाम पर धर्मांतरण की कोशिश। शाहजहांपुर में सड़क हादसे में देवर भाभी और बच्चे की मौत, ट्रक ने स्कूटी को मारी टक्कर, रिश्तेदार के यहां से घर लौट रहे थे तीनों। बरेली जेल मामले में अशरफ के 3 गुर्गे अरेस्ट, अतीक के भाई से जेल में बिना आईडी के करते थे मुलाकात। कन्नौज में दीवार को तोड़ते हुए घर में घुसा ट्रक, घर में सो रही महिला के कुचलने से मौत, 2 लोग घायल, ट्रक छोड़कर भागा चालक।
शहीद राघवेंद्र के घर पहुंचे बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल, परिजनों से मिलकर व्यक्त की शोक संवेदना। राहुल गांधी के बयान पर भड़के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, बोले प्रदेश की जनता इसका मुंह तोड़ जवाब समय आने पर देगी। मुजफ्फरनगर में सड़क हादसे में घायल युवक की मौत, हाईवे पर ट्रैक्टर ने मारा था टक्कर, मंत्री कपिल देव ने एस्कॉर्ट से भेजा था अस्पताल। सुल्तानपुर पुलिस ने शिक्षक नेता को किया गिरफ्तार, सीएम योगी आदित्यनाथ पर किया था आपत्तिजनक पोस्ट। सीतापुर में गाली का विरोध करने पर महिला की हत्या, भाइयों ने सीने में मारी गोली, पति को बचाने में हुई घटना का शिकार। बागपत में छोटे भाई को मारकर पूरी रात रोता रहा हत्यारोपी युवक, बोला साहब जिंदगी भर रहेगा पछतावा। बदायूं में मंदिर के खुदाई में निकली मूर्ति, खाटू श्याम का लोगों ने लगाया जयकारा, टेंट लगाकर की जा रही पूजा अर्चना। रेल की पटरी पर मिला रिटायर्ड रेल कर्मचारी का शव, परिजन बोले झांसी से विदिशा लौट रहे थे, पता नहीं ट्रेन से कैसे गिरे थे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में छात्र और पुलिस के बीच हाथापाई, साइंस फैकल्टी के मेन गेट पर बने दीवार को छात्रों ने ढहाया। बागपत पुलिस ने दो पशु तस्करों को किया गिरफ्तार, कैंटर में तस्करी के लिए 11 पशु ले जा रहे थे, मुखबिर की सूचना पर हुई कार्रवाई। राजधानी लखनऊ में कोरोना ने दी दस्तक, अब तक मिले कुल 8 कोरोना के मरीज, स्वास्थ्य अधिकारियों ने दी मास्क लगाने की सलाह। लखनऊ में भाजपा विधायक ने लोक निर्माण विभाग को लिखा पत्र, भाजपा विधायक ने सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर उठाए सवाल। अलीगढ़ के बालाजी स्वीट सेंटर में दिखा गंदगी का अंबार, जलेबी की कढ़ाई में तैरती मिली मरी हुई मक्खियां। औरैया में बोर्ड परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन शुरू, फुटेज की निगरानी में हुआ मूल्यांकन, 15 दिन चलेगा मूल्यांकन। बिजनौर में कूड़ा डालने को लेकर दो पक्षों में हुआ विवाद, हमले में नेता सतपाल सिंह घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। बुलंदशहर में बिजली कटौती को लेकर उपभोक्ताओं में दिखा आक्रोश, उपभोक्ताओं ने बिजली घर में किया जमकर हंगामा। गाजियाबाद में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला आया सामने, ससुरालियों ने नवविवाहिता के साथ किया उत्पीड़न, महिला के पति और सास हुई गिरफ्तार। हरदोई में अवैध ईंट भट्ठे पर चला प्रशासन का बुलडोजर, डीएम के आदेश पर हुई कार्रवाई, पुलिस प्रशासन की मिली भगत से हो रहा था संचालन। कुशीनगर में मौसम परिवर्तन से बढ़ रहा डायरिया का प्रकोप, बुखार के मरीजों की भी संख्या बढ़ी, जिला अस्पताल में लगी लंबी कतार। गोरखपुर में यूपी एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता, पुलिस ने कुख्यात नामी तस्कर को किया गिरफ्तार। संभल में कोल्ड स्टोरेज हादसे में गई कई लोगों की जान, सीएम योगी ने जाना पीड़ितों का हाल।
श्रावस्ती के सीएचसी में आशा बहुओं ने किया हंगामा, लेबर रूम गेट में मारा ताला, इमरजेंसी सेवाएं हुई बाधित। फरुखाबाद में 12 घंटे में ही ठप हुई विद्युत व्यवस्था, कार बहिष्कार के चलते आधे से ज्यादा शहर की बिजली ठप, जिला प्रशासन की व्यवस्था पूरी तरह फेल। लखनऊ में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल से आपूर्ति, चरमराए संविदा कर्मियों ने काम का किया बहिष्कार, पूरे प्रदेश में दिखा हड़ताल का असर। हरदोई में अचानक बदले मौसम के मिजाज से किसानों को भारी नुकसान, दिन रात खेतों में फसलों की कटाई कर रहे किसान। कानपुर देहात में बदमाशों के हौसले बुलंद, बाइक की डिग्गी से 80,000 रुपए हुए चोरी, चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद। फरुखाबाद में भीषण सड़क हादसा, तीर्थ यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर खाई में पलटी, बस पलटने से कई यात्री हुए घायल। लखनऊ में होम्योपैथिक फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन, नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर लगातार अभ्यर्थी करते दिखे प्रदर्शन। बुलंदशहर के कब्रिस्तान में मिला युवक का शव, मृतक के शरीर पर धारदार हथियार से किए गए गहरे घाव, मृतक की नहीं हो सके शनाख्त। हरदोई में अचानक बदले मौसम के मिजाज से किसानों को भारी हुआ नुकसान, दिन रात खेतों में फसलों की कटाई कर रहे किसान। लखनऊ के पेट्रोल पंप पर जमकर हुआ बवाल, पेट्रोल लेने के विवाद में कर्मचारियों और युवकों में मारपीट, मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी में हुई कैद। कानपुर देहात में बुजुर्ग किसान ने डीएम से लगाई फरियाद, 3 सालों से अधिकारियों की चौखट पर गुहार लगा रहा है किसान। बुलंदशहर के उच्च प्राथमिक विद्यालय में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना आई सामने, जमीन पर रंग गिराने पर टीचर ने बच्चे को पीटा। लखनऊ चौकी में पुलिस ने कराई प्रेमी युगल की शादी, परिवार के नहीं मानने पर प्रेमी युगल ने घर छोड़ा था। टीका लगने के बाद तीसरे नवजात की भी हुई मौत, वैक्सीन लगते नीला पड़ गया था नवजात का शरीर, 2 की पहले जा चुकी है जान। बदायूं में बेटे ने कुल्हाड़ी से मार कर की पिता की हत्या, दोनों ने साथ में बैठकर पी थी शराब, फिर दोनों में हुआ था विवाद। झांसी से दिल को झकझोर देने वाला मामला आया सामने, जहां दरोगा ससुर बेटे की मौत के बाद बहू और उसकी 4 बच्चियों को घर से निकाला। कानपुर में जागरूकता लिए वॉकाथॉन का हुआ आयोजन, लोगों को मोटा अनाज उठाने के लिए किया गया प्रेरित, हजारों छात्र और एनसीसी कैंडिडेट्स हुए शामिल। आगरा से गायब छात्र का मथुरा में मिला शव, 15 को इंजीनियरिंग की परीक्षा देने निकला था छात्र, हो गया था लापता। आगरा में कच्चे रास्ते पर दबंगों का कब्जा, किसान ने जिलाधिकारी से की रास्ते को कब्जा मुक्त कराने की मांग, बोला खेत की ओर नहीं जा पा रहे। अंबेडकर नगर में विवादित जमीन पर दबंग कर रहे कब्जा, पीड़िता बोली मिल रही जान से मारने की धमकी, प्रशासन नहीं रोक रहा अवैध निर्माण। अमेठी में स्कूल में दुष्कर्म करने वाला प्रिंसिपल हुआ गिरफ्तार, प्रिंसिपल ने स्कूल के ऑफिस में युवती से किया था दुष्कर्म, शिकायत करने पर जान से मारने की दी थी धमकी।
आगरा में बाइक फिसलने से डॉक्टर की हुई मौत। डॉक्टर का हेलमेट हुआ चकनाचूर, ब्रेक लगाने पर फिसल गई थी बाइक। इटावा में पति पत्नी और साली के बीच हुई मारपीट, युवक ने पत्नी को सड़क पर पटक पटक कर पीटा, साली ने ईंट से फोड़ा जीजा का सर। बलरामपुर में पुलिस टीम पर हुआ हमला, एक सिपाही को आई गंभीर चोटें, वारंट लेकर गए थे पुलिस, चार महिलाएं सहित पांच गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में शटर काट कर दुकान से हुई लाखों की चोरी, बुढ़ाना के पास वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर पर किया चोरों ने हाथ साफ। वाराणसी में चलाया गया स्वच्छता जन जागरूकता अभियान, काशीवासियों को पौधे किए गए वितरित, वहीं साफ सफाई रखने की शपथ दिलाई गई। हमीरपुर में पिता की डांट से नाराज होकर घर से भागा युवक, पिता ने अपहरण का लगाया था आरोप, पुलिस ने रखा था 25,000 का इनाम। मेरठ में दिल्ली का फर्जी डीसीपी बनकर सराफा व्यापारी से लूट, तिहाड़ जेल में बनाया था गैंग, सभी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इटावा में यात्रियों से भरी बस अंडरब्रिज में पानी में फंसी, बारिश के चलते भरे पानी में बंद हुई बस, जेसीबी की मदद से निकलवाया गया बाहर। बरेली में मुनीश की मौत से सदमे में परिवार, राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज के आईसीयू इंचार्ज की पत्नी से हुई थी आखिरी बार बात। आजमगढ़ में यूपी एटीएस और पुलिस की संयुक्त छापेमारी, 10 अवैध पिस्टल, 20 मैगजीन के साथ दो आरोपी गिरफ्तार, दूसरे राज्यों से लाकर की जा रही थी तस्करी। बिजनौर में ट्रेन में आतंकी होने की फैली अफवाह, सुबह 4 बजे तक पुलिस ने की चेकिंग, 5 घंटे ट्रैक पर खड़ी रही ट्रेन। फिरोजाबाद में एसएसपी ने दो चौकी प्रभारियों को किया निलंबित, तो महिला संबंधी अपराधों का समय से निस्तारण नहीं होने पर की गई कार्रवाई। गाजियाबाद में सिलेंडर से भरा ई रिक्शा दो बच्चियों पर पलटा, एक बच्ची की मौत, घर के बाहर खड़ी थी दोनों बहनें। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।